अक्सर मरीज ये सवाल करते हैं कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे ये पहचान सकते हैं कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को पता ही नहीं लगता कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, उसको कई बार लगता है कि मुझे गैस बनती है, हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन ये स्टोन पड़ती रहती है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। और कई बार ये स्टोन एसिम्प्टोमेटिक यानी कि साइलेंट स्टोन के तौर पर भी पड़ी रहती है, किसी तरह के आपको सिम्टम्स या लक्षण या संकेत नहीं देती हैं। और कभी आप अल्ट्रासाउंड करा देते हैं तो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का पता लगता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन गया है तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो कौन कौन से लक्षण है जो गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण आते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इससे होने वाली परेशानियां कौन कौन सी होती हैं। जो गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षण होते हैं कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अगर लक्षण आते हैं तो ये माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं। और जो सबसे पहला लक्षण होता है पेन एब्डोमन, सीवियर पेन एब्डोमन हो सकता है, वो जनरली अपर एब्डोमन में, यहाँ पे सेंट्रल एब्डोमन में हो सकता है, राइट साइड में हो सकता है, और ये दर्द जो है आपके शोल्डर की तरफ भी आ सकता है और कई बार ये पीछे आपके बैक में भी जाता है। ये एक टिपिकल लक्षण होता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मरीज को दबाने से दर्द होता है। उसके अलावा मरीज को नौजिया हो सकता है, जी मचला सकता है और कई बार मरीज को उल्टी भी आ सकती है। ये लक्षण है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि स्टोन किस तरह की है। एक स्टोन है, बड़ी स्टोन है, छोटी स्टोन्स है, मल्टीपल स्टोन्स है, वो सिर्फ गॉल ब्लैडर के अंदर है या आगे बढ़ गई है, कहीं रास्ते में फंस गई है, उसके हिसाब से भी फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगते हैं। तो होता क्या है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन अगर एक पोजिशन में कहीं पे साइलेंट भी पड़ी है तो आपको शायद दर्द नहीं होगा या आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही ये अपनी पोजिशन बदलती है, रास्ता बदलती है, तो आपको लक्षण आ सकते हैं। अब अगर इस स्टोन ने अपना रास्ता बदल लिया तो ये एक्यूट कोलिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन का कारण बन जाता है, जिसको एक्यूट कोलिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें सीवियर पेन होता है। अब अगर मल्टीपल स्टोन्स है तो एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा रहता है कि स्टोन फिसक के जो गॉल ब्लैडर और लीवर के बीच का एक रास्ता है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उसमें जाकर अगर स्टोन फंस जाती है तो ये भी लक्षण या सिम्टम्स क्रिएट करती है और मरीज को प्रॉब्लम आने लगती है। अब अगर ये स्टोन मान लो ऐसी जगह कहीं फंस जाती है कि सिर्फ उस रास्ते को रोकती है जहाँ से लीवर से जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में जाता है, तब उतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आपका गॉल ब्लैडर जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि बाइल जूस ऊपर से आता है और नीचे हाथ में चला जाता है तो जनरली कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं अनटिल अनलेस वो स्टोन कुछ इरिटेशन करके, कोई इन्फ्लेमेशन करके आपको दर्द ना दे। लेकिन अगर ये छोटा स्टोन थोड़ा और आगे बढ़ के उस रास्ते को ब्लॉक कर दे जिससे जो बाइल जूस है आंत में जाता है, तो फिर ये जितना भी बाइल जूस है वो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है। अब उसकी एक कैपेसिटी है, ज़्यादा अगर बाइल जूस वहाँ पर इकट्ठा होता है तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, तो उसके अपने लक्षण आते हैं। दूसरा है, क्योंकि अब यहाँ पे ये बाइल जूस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेशर होता है तो ये वापस ब्लड में जाने लगता है लीवर से होते हुए, जिसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो जाता है, मरीज को पीलिया हो जाता है, मरीज के बदन में स्किन में हाई बिलरुबिन लेवल की वजह से, हाई पिगमेंट्स की वजह से जो है इचिंग भी होने लगती है, जिससे पेशाब का रंग और स्किन का रंग पीला हो जाता है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मल्टीपल स्टोन्स अगर गॉल ब्लैडर में होती है तो उनका एक और खतरा होता है कि अगर कोई छोटी सी बारीक सी स्टोन भी, क्योंकि बहुत नज़दीक होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, वहाँ पे अगर कोई स्टोन चला जाता है या कोई रेजा चला जाता है स्टोन का, तो वो पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है और कारण बन जाता है पैनक्रियाटाइटिस का, जिसको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और ये भी बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। कई बार एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, तो इसका एक ही कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए कभी भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही पड़े नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि एक तो आसपास की दीवारों से अगर ये गॉल ब्लैडर चिपक जाता है तो वहाँ एडहेशंस बन जाते हैं, उसको निकालना मुश्किल है। दूसरे, स्टोन का साइज बड़ा हो जाता है तो ये खुद ही वहाँ पर चिपक जाती है गॉल ब्लैडर की वॉल पर, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, परफोरेशन भी हो सकता है, इन्फेक्शन खतरे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे दर्द हैं वो लक्षण आपको बहुत तेज़ी से आने लगते हैं। और जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर गॉल ब्लैडर का परफोरेशन हो जाए तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। साथ ही अगर ये स्टोन वहाँ पे बहुत दिनों तक पड़ा रहा, इम्पैक्ट हो गया था, तो इसकी वजह से गॉल ब्लैडर का कैंसर, और उसके बाद अगर ये क्योंकि लीवर के बहुत नज़दीक होता है तो लीवर का कैंसर भी गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हो सकता है।
तो उसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये सिम्टोमेटिक स्टोन है, बहुत समय तक पड़े हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टोन आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन है, तो बाद में जाकर आपको ज़रूर तंग कर सकती है। तो बेहतर है कि बड़ा कोई खतरा आगे आए, उससे बचने के लिए पहले ही आप इसको निकलवा दें। और गॉलब्लैडर के स्टोन अक्सर केसेस में सर्जरी से ही निकलते हैं, बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टोन पे, क्योंकि इसे बहुत लंबा इलाज लेना पड़ता है कि वो मेडिकेशन से निकल पाए। बट अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, तो आप बिना देरी के आपको सर्जरी करा के इसको निकलवा देना चाहिए। सर्जरी आजकल बहुत ही आसान और सरल हो गई है, आप 24 घंटे में सर्जरी करा के घर जा सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलोस्टेक्टोमी आजकल की जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत छोटे से इंसिडेंस लगते हैं। तो आप अपने सर्जन को चूज करके ये सर्जरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजन्स हो जाते हैं, रप्चर हो जाता है, तो फिर आपको ओपन कोलोस्टेक्टोमी, इवन पेट खोल के पूरा लैप्रोस्कोपी करने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इन रिस्क से बचने के लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लें, अपने आप को बड़े खतरे से बचा के रखें। मुझे उम्मीद है डेफिनेटली आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वेरी श्योर आपने वीडियो को पसंद किया है। इसको लाइक ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, तो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। और साथ में आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट हम इस तरह का कंटेंट और अच्छी क्वालिटी में आपके पास लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद।